गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे आज बैकअप और रिस्टोर करना। तो बैकअप किसी भी कंपनी के लिए डेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी कारणवश हमारा डेटा करप्ट हो जाए या टैली सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम इशू हो जाए या हमारा लैपटॉप या हमारा पीसी में कोई दिक्कत आ जाए, तो हम अगर टैली का बैकअप न बनाएंगे तो उस कंडीशन में डेटा प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। और डेटा कितना, किसी भी कंपनी के लिए डेटा कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए हम प्रतिदिन के कार्य को बैकअप क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैकअप। टैली में बैकअप कैसे करना है? तो टैली में बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटा टैब में बैकअप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बैकअप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यानी जहां पे हम बैकअप रखना चाहें वहां पे उसका पाथ आपको देना होगा। तो बैकअप हम हमेशा पेन ड्राइव या अदर ड्राइव पे ही रखेंगे। तो यहां पर हम आपको दिखा दें कि हमारे जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में यहां पर हमने एक सी ड्राइव और एक पेन ड्राइव लगा के रखा है। हम पेन ड्राइव को थोड़ा रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेन ड्राइव जो है यहाँ से रिमूव हो गया है। फिर से हम पेन ड्राइव को प्लग इन करते हैं तो ये पेन ड्राइव आ गया है। तो आप चाहे तो पेन ड्राइव में पहले से ही एक फोल्डर यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर BACK बैकअप का बना लेते हैं। तो इसका जो पाथ हुआ डी ड्राइव में बैकअप है और यही पाथ को आपको वहां पे देना होगा। तो चलिए हम आपको बैकअप क्रिएट करना बता रहे हैं। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आपका बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ आपको देना होगा। तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसे टाइप कर सकते हैं या यहां पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी कि आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का यूज करके वहां पर इसका पाथ दे सकते हैं। तो यहां पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करें। बैकअप हमें डी ड्राइव में लेना है तो हम डी ड्राइव में आएंगे। इसके बाद हमें जिस फोल्डर में बैकअप क्रिएट करना है उस फोल्डर को चुनेंगे। तो डी ड्राइव में जितने भी फोल्डर हैं तो हमें लेना है बैकअप में। तो हम यहां पर बैकअप वाले ऑप्शन को चुनेंगे। तो ये हमारा यहां पर एक बार फिर से हम बैकअप पे एंटर प्रेस करेंगे। तो आप ये यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन पाथ है वो हो गया डी ड्राइव में बैकअप, यानी कि जो बैकअप क्रिएट होगा वो हमारा डी ड्राइव में क्रिएट होगा। अब किस कंपनी का बैकअप लेना है वो इधर इस साइड में हमारा शो हो रहा है। जिस कंपनी में बैकअप लेना है वो इस राइट साइड में शो हो रहा है। तो हम जिन जिन कंपनी का बैकअप रखना होगा, और यहां पर हम एक, चलिए TCS कंपनी और गुरुकुल यानी 1002 और जी इम्पोर्ट या ABC प्राइवेट लिमिटेड, इन तीन कंपनियों का बैकअप क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इन तीन कंपनियों का बैकअप इस डी ड्राइव में क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद इन डब्लिस्ट करते हुए यहां पर, तो आप देख रहे हैं इस कंपनी, तीन कंपनी का बैकअप हमने क्रिएट कर लिया है। तो एक बार चलते हैं, आपको हम दिखा देते हैं कि डी ड्राइव में बैकअप हुआ या न हुआ। तो यहां पर आप आए और आपका ये पेन ड्राइव शो कर रहा है। तो पेन ड्राइव में बैकअप वाले फोल्डर पे आए, तो ये है हमारा बैकअप फोल्डर। और यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हमने तीन कंपनियों का बैकअप क्रिएट किया है वो यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम वापस अपने टैली वाले स्क्रीन पे आएंगे और
इनमें से एक कंपनी को हम डिलीट कर देंगे जिसे आपको समझ में आए कि कैसे उसको रिस्टोर करना है। तो डिलीट करने के लिए हम कंपनी वाले ऑप्शन में आएंगे और यहां पर अल्टर विकल्प का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अल्टर किया तो यहां पर जिस कंपनी को आपको डिलीट करना है तो उसे हम डिलीट करेंगे। तो यहां पर हमने अल्टर डी किया और यस कर दिया और वाई प्रेस करेंगे। तो इस तरह ये कंपनी डिलीट हो गई है। हम एबीसी कंपनी को भी डिलीट कर देते हैं जिसका कोड है 1007। तो इसे फिर से हम इसे ओपन करेंगे। यहां पे फिर से हम अल्टर में जाएंगे और अल्टर के साथ डी प्रेस करेंगे और यहां पर वाई प्रेस करेंगे, फिर एक बार वाई प्रेस करेंगे, ये कंपनी डिलीट हो जाएंगी। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए हम अल्टर विकल्प का प्रयोग करके और अल्ट डी करके डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने एबीसी कंपनी को डिलीट कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो सेलेक्ट कंपनी है उनमें एबीसी कंपनी नहीं शो कर रहा है और हमने एबीसी कंपनी का बैकअप तैयार किया हुआ है। तो उसे हम कैसे रिस्टोर करेंगे? तो रिस्टोर करने के लिए हम फिर से डेटा पाथ डेटा में जाएंगे। तो चलिए हम यहां पर फिर से डेटा पे जाते हैं और रिस्टोर पे आने के बाद इंटरफेस करते हैं। तो जैसे ही रिस्टोर पे आएंगे, अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो रिस्टोर पॉइंट है यानी कि बैकअप जो बनाए हैं उसे किस पाथ पे आपको रिस्टोर करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, यानी जो हमारा डेटा रिस्टोर होगा वो सी ड्राइव में यूजर पब्लिक टैली प्राइम और डेटा में होगा। तो हम इसी लोकेशन पे अपने कंपनी को रिस्टोर करने वाले हैं। तो अब हम कैसे रिस्टोर करना है? तो रिस्टोर जहां से हमने बैकअप रखा हुआ है यानी डी ड्राइव में बैकअप में, वो पाथ हमें यहां पर देना होगा। तो पाथ को देने के लिए हम यहां पर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव या स्पेसिफाई पाथ दोनों का यूज कर सकते हैं। तो हम यहां स्पेसिफाई सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आते हैं और यहां पर इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा सी ड्राइव और डी ड्राइव दोनों है। तो मैंने बैकअप जो बनाया है वो बनाया है डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव को जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे सारे डी ड्राइव के फोल्डर हमें डिस्प्ले हो रहे हैं और कर्सर को नीचे लाते यानी कर्सर कंट्रोल की को नीचे लाते हुए हम बैकअप वाले फोल्डर पे जाएंगे या हम बी प्रेस करेंगे तो बैकअप वाला फोल्डर हाईलाइट हो जाएगा। और यहां पर हम बैकअप वाले फोल्डर पे इंटर को प्रेस जैसे ही करेंगे तो हमारी जो कंपनी है यहां पर सारी कंपनी जिसका हमने बैकअप बनाया है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अब इस कंपनी को हम यहां से एबीसी कंपनी को जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे वो कंपनी इस लेफ्ट साइड में आ चुकी है। और भी कंपनी का अगर हम बैकअप रिस्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसी कंपनी को डिलीट किया है, हमने एबीसी कंपनी को डिलीट किया है और इसी कंपनी को हम बैकअप रिस्टोर करने वाले हैं। अब हम यहां पर कर्सर करते हुए यहां पर हम इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यानी जैसे हम इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहां पर आप देख रहे हैं अब हमारा जो कंप्यूटर है वो बैकअप हुई कंपनी को रिस्टोर करने के लिए तैयार है। और जैसे ही वाई प्रेस करेंगे और हमारी कंपनी यहां पर रिस्टोर हो चुकी है। तो एक बार रिस्टोर करने पे तुरंत डिस्प्ले नहीं होता है तो हम एक बार स्कैप करते हैं फिर से। तो एक बार दो बार स्कैप कर देंगे तो ये देखिए हमारा ये कंपनी फिर से रिस्टोर हो चुकी है। तो इस तरह हम किसी कंपनी को बैकअप बना के रिस्टोर कर सकते हैं।